मुझे नहीं लगता पहले कोई यहाँ पर इंडियन आया है। और जो ये वाला एरिया है भाई, ये मतलब कि यहाँ का माफिया हैंडल करता है ये वाला एरिया। 500 येन का है और 150 येन के हमने एग करवा लिए हैं। एग बड़े स्वाद होते हैं इनके। तो जी व्हाट्सअप, दिस इज योर बॉय पारस एंड वेलकम बैक इन अनदर व्लॉग गाइस। और अभी मैं हूँ भाई जापान ओसाका के अंदर। बुलेट ट्रेन से हम आए थे सीधा यहाँ पर और अभी ऑलमोस्ट 9 बजने वाले हैं यहाँ पर। तो अभी जस्ट मैं 1 घंटे पहले ही पहुँचा हूँ और आज अगले दिन व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। ये वाला मैंने होटल करा था यहाँ पर, थोड़ा सा ट्रेडिशनल घर है ये, मतलब देख सकते हो सारा लकड़ का बना हुआ है। यहाँ पर ये बेड है मेरा और ऐसे यहाँ पर काफ़ी रूम्स है, मतलब 6-7 रूम्स हैं। यहाँ पर भी आसपास रूम है, बाहर भाई सिटिंग के लिए प्लेस है, लिविंग प्लेस। ओसाका की नाइट लाइफ भी भाई जानी जाती है, यहाँ पर बहुत बढ़िया नाइट लाइफ है। और एक तो मुझे लग गई है यहाँ पर भूख, तो मुझे आज मन कर रहा है मेरा इंडियन फूड खाने का। तो मैं सोच रहा हूँ कि यार आज आपको नाइट लाइफ दिखाई जाए और यहाँ पर कोई इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढते हैं। और भूख बहुत ज़बरदस्त लगी है भाई। और ये वाला जो एरिया है जहाँ पर मैंने ये होटल करा है बुक, एक्चुअली मेरे एक भाई ने मेरे को करके दिया है। तो मेरे एक भाई है भाई, दोस्त है, उन्होंने बुक करा है। थोड़ा दूर है ये एरिया, तो यहाँ पर जो रेड लाइट एरिया है तो हम वहाँ पर जा रहे हैं। तो उसका जो नाम है तोबिता सिंची, ऐसे करके कुछ नाम है, मतलब रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट है। तो वहाँ पर चलते हैं। वैसे वहाँ पर वीडियो अलाउड नहीं है, मैंने चेक कर लिया ऑलरेडी, बट वहाँ पर चलेंगे, आपको थोड़ा बहुत ट्राई करेंगे, वहाँ का माहौल थोड़ा बहुत दिखाएंगे। तो पहले यार थोड़ा रेडी हो जाते हैं, फिर निकलते हैं और आपको लेके चलते हैं साथ में। अपने गेस्ट हाउस से बाहर आ गया हूँ और ये छोटा सा गेस्ट हाउस है, आपको दिखेगा नहीं क्योंकि अभी डार्क बहुत है यहाँ पर। और यहाँ से मुझे ट्रेन पकड़ के जाना है वही एरिया में जो मैंने आपको बताया अभी, रेड लाइट वाला एरिया। दिन में दिखाएंगे जो ये अपना ये गेस्ट हाउस है ना, इसका टूर देंगे आपको दिन में। तो अभी चलते हैं भाई स्टेशन। और यहाँ पर भाई ओसाका में ट्राम भी चलती है। अभी मैं माइको कुजी कुछ ऐसे करके नाम स्टेशन है ये वाला। और यहाँ से हम जाएंगे एबेनो स्टेशन, यहाँ पर कोई एबेनो स्टेशन है, वहाँ से फिर वॉक करेंगे भाई। तो वहाँ से भाई तोबिता सिंचाई जो एरिया है रेड लाइट, वहाँ से वॉक करके जाएंगे। ये वाला एरिया भाई बहुत सुनसान है, मतलब बहुत कम लोग दिख रहे हैं। टोक्यो में भाई आप कहीं कोई भी जगह चले जाओ ना तो वहाँ पर आपको लोग ही लोग दिखेंगे आसपास, बट ये वाला एरिया देख सकते हो सुनसान है बिल्कुल एकदम। वो ट्राम खड़ी है सामने मेरे और इधर से एक कोई ट्राम आएगी, फिर पता नहीं कब तक आएगी भाई, इनके टाइमिंग्स का कुछ नहीं पता। और मेरे को लग रहा है जल्दी बंद हो जाती हैं ट्राम्स वगैरह ना यहाँ पर, ट्राम्स और जो भी रेलवे वगैरह यहाँ पर चलती हैं। तो यहाँ पर भाई मुझे दूर दूर तक ट्राम नहीं दिख रही, तो एक काम करते हैं भाई, यहाँ से ना दूसरी भी चलती है नंकाई कोया लाइन, जहाँ से मैं आया था भाई पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा, ओसाका शिन से जब मैं आया था यहाँ पर, तो वो वाली लाइन से चलते हैं। यहाँ से थोड़ा वॉक करना पड़ेगा, मतलब मेरे को दूर दूर भाई ट्राम नहीं दिख रही यहाँ पर, तो मेरे को लग रहा है कि लेट हो जाएगा काम, तो बंद ना हो जाए तब तक, फिर चलते हैं भाई, निकलते हैं यहाँ से। भाई ट्रेन में तो आ चुके हैं और ये भाई बड़ी स्लो है यहाँ पर, मतलब ट्रेनें वगैरह ना यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब 15-20 मिनट का रास्ता है। और ट्रेन सारी खाली पड़ी है, आप देख सकते हो यहाँ पर लोग बहुत, इस एरिया में बहुत कम है लोग, शायद उस एरिया में हो सकते हैं ज़्यादा लोग, इसलिए थोड़ा सस्ता भी है यहाँ पर, महंगा नहीं है सिस्टम। 5 मिनट हो गए ऑलरेडी ये ट्रेन ऐसे ही है, मेरे को लग रहा है थोड़ी बहुत बढ़ जाएगी फिर ये लेके जाएंगे उस तरफ। तो पता नहीं भाई कौन से स्टेशन पे उतर गया हूँ मैं, समझ नहीं लग रही थी यार यहाँ पर, बड़ा पजल है यार। तो अब यहाँ से वॉक करके चलते हैं थोड़ा सा, मतलब वॉक करके आपको दिखाते हैं माहौल और जाते जाते आपको रास्तों का माहौल दिखाते हैं। ये भी बहुत क्लीन सिटी है यार, मतलब कहीं भी आपको गंद नहीं दिखेगा यहाँ पर। तो फाइनली भाई पहुंच चुके हैं तोबिता सिंची के एरिया में, मतलब जो रेड लाइट एरिया है यहाँ का। मुझे नहीं लगता पहले कोई यहाँ पर इंडियन आया है। मेरे एक भाई हैं जो कि इंडिया से हैं, तो विनू भाई ने मुझे सजेस्ट करा था जरूर जाना यहाँ पर तोबिता सिंची। तो मैंने कहा यार चलते हैं तोबिता सिंची का माहौल दिखाते हैं। ये देखो यहाँ से स्ट्रीट स्टार्ट हो चुकी है, तो एक्चुअली यहाँ पर वीडियो अलाउड नहीं है, बट ट्राई करेंगे थोड़े थोड़े शॉट लेने की। और चलते हैं भाई अंदर की तरफ, दिखाते हैं माहौल।
बेसिकली भाई ये जो इलाका है ना, ये रेड लाइट इसलिए जाना जाता है, प्रोस्टिट्यूशन यहाँ पर बहुत है। बट ऐसा नहीं है मतलब थाईलैंड की तरह नहीं है यहाँ पर, थाईलैंड जैसे फ्रेंडली नहीं है भाई यहाँ पर। मतलब मैंने जस्ट अभी वो गली से निकल रहा था तो यार मैंने वहाँ पर शॉप्स देखी, मेरे को आइडिया नहीं था भाई क्या है वहाँ पर, बट अंदर शॉप्स के अंदर ही लड़कियाँ बैठी हुई हैं वहाँ पर और आपको आवाज़ मारती हैं वहाँ पर। मैं तो सीधा ही आ गया, तो मैं ट्राई करता हूँ थोड़ा बहुत शूट करने की, अगर थोड़ा बहुत मुझे यहाँ पर शूट, वैसे तो अलाउड बिल्कुल नहीं है भाई यहाँ पर शूट करना। वैसे मैं यहाँ पर फोटोज़ दिखा दूँगा भाई, ऐसी शॉप्स हैं यहाँ पर, और ये एरिया इसलिए जाना जाता है क्योंकि प्रोस्टिट्यूशन यहाँ पर है भाई ओसाका के अंदर। तो शायद ही किसी इंडियन ने ये वाला एरिया पहले दिखाया होगा, मुझे नहीं लगता पहले किसी ने ये एरिया के बारे में बताया होगा ओसाका के अंदर। तो आप सामने देख सकते हो भाई, ऐसे विंडोज बनी हुई हैं, मतलब घर बने हुए हैं छोटे छोटे, और उनके अंदर ऐसे लड़की और मामा संग बैठी हुई हैं। और मतलब मेरे को बड़ा डिफरेंट लगा यार यहाँ का माहौल, मतलब कि बड़ा क्वाइट माहौल है वहाँ पर, इतने लोग भी नहीं है, बहुत कम लोग हैं। ये कुछ डिफरेंट था, मैंने अपनी लाइफ में पहली बार कुछ ऐसा देखा भाई जापान के अंदर प्रोस्टिट्यूशन लीगल है ये इस एरिया में। ये वाला भाई अडल्ट स्ट्रीट थी, तो मैं बाहर आ गया, मतलब अंदर के अंदर जाओगे तो यार आपको और भी बड़ा कुछ दिखेगा अंदर, बट बच्चे दूर ही रहे भाई ये स्ट्रीट से, ये बच्चों वाली स्ट्रीट नहीं है। अब मैं ये वाली स्ट्रीट से भाई बाहर आ चुका हूँ और अब मेरे को लग गई है भूख, तो मैं कुछ खाने पीने जा रहा हूँ। यहाँ पर 12 बजे के बाद ट्रेन्स बंद हो जाती हैं, और जो ये वाला एरिया है भाई, ये मतलब कि यहाँ का माफिया हैंडल करता है ये वाला एरिया। और ज़्यादा कुछ मैं यहाँ पर दिखा नहीं पाया, उसका रीज़न था कि यार सबकी प्राइवेसी भी होती है यार। यहाँ से मुझे वॉक करके एक स्टेशन पे जाना है, वहाँ पर भाई मैकडी या KFC खुला होगा। मैंने इंडियन रेस्टोरेंट चेक करे थे बट सारे बंद हो गए यार, यहाँ पर 10:30 बजे सब कुछ बंद हो जाता है। बाकी चलते हैं फिर आपको दिखाते हैं माहौल। हमने यहाँ से भाई कुछ करवा लिया है जापानी फूड वगैरह, और देख सकते हो हमने ये चिकन वाला करवाया है, 500 येन का है, और 150 येन के हमने एग करवा लिए हैं, एग बड़े स्वाद होते हैं इनके, और भिंडी भी है, भिंडी। थैंक यू। और अब चलते हैं भाई सीधा होटल की तरफ, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ अभी बंद हो गया है, और आपको दिन में दिखाएंगे यहाँ का माहौल ना, नाइट लाइफ वाला माहौल, रेड लाइट वाला यही माहौल था। वैसे भी इच्छा नहीं है भाई जाने की कहीं भी, थक गए हैं बहुत ज़्यादा, चलते हैं भाई। तो फाइनली भाई पहुंच चुके हैं हम जहां पर हमारा होटल था। ये एक एरिया बड़ा डिफरेंट है, बहुत दूर है भाई ये वाला एरिया, मतलब होटल थोड़ा दूर ले लिया बट कोई बात नहीं। और यहाँ पर 11:30 बजे ट्रेन्स वगैरह बंद हो जाती हैं भाई, तो मेरी लास्ट ट्रेन थी जो जिसमें मैं अभी आया हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर टैक्सी चलती हैं, और टैक्सी का बहुत ज़्यादा रेट होता है यहाँ पर, 1500-2000 येन लग जाता है अगर आप वहाँ से यहाँ तक आओगे। मेरे हिसाब से मैंने एस्टिमेट लगाया अपनी तरफ से, होटल जा रहा हूँ भाई, फिर जाके सोएंगे डायरेक्ट। और आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, आई होप कि आपको बढ़िया लगा होगा, तो बढ़िया लगा है तो लाइक कमेंट शेयर ठोक देना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, फिलहाल के लिए बाय बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में।